हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शेखम गार्डन। शेखम गार्डन आज एक ऐसी दरगाह का टूर दिखाने वाले हैं जो कि समंदर के बीचा बीच में है। पूरा शहर डूब सकता है लेकिन ये दरगाह कभी नहीं डूबेगी। जी हाँ, वो है हाजी अली दरगाह जो कि मुंबई में है। हाजी अली दरगाह मुंबई के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। आज इस वीडियो में शेखम गार्डन आपको हाजी अली दरगाह का कम्प्लीट टूर दिखाने वाले हैं। हाजी अली दरगाह का कंप्लीट गाइड और खूबसूरत समंदर के नज़ारे देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए ताकि आपको शेखम गार्डन से न्यू अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस रास्ते से होकर हमें हाजी अली दरगाह को जाना है। यहाँ एंट्रेंस में बहुत सारे शॉप्स भी लगाया है जो कि बजट फ्रेंडली है। यहाँ कई सारे शॉप्स लगाए हुए हैं, हैंडबैग्स, सनग्लासेस, स्कार्फ्स, हिजाब्स, बैंगल्स, इतर और बच्चे के लिए कई सारे टॉयज के शॉप्स हैं। बस यहीं तक शॉप्स लगे हुए हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हो, ये सारा एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन में है। यहाँ आते ही ठंडी ठंडी हवा हमारा स्वागत कर रही है। यहाँ से आप दरगाह को देख सकते हो जो कि समंदर के बीच में है। ये समंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। हाजी अली दरगाह का एंट्रेंस का नज़ारा आप सबके लिए देखकर एंजॉय कीजिएगा। समंदर की लहरें आप सबको हाजी अली दरगाह को वेलकम कर रही है। ये नज़ारा देखकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई। मैं लहरें देखकर कुछ वक्त के लिए यहीं रुक चुकी। जैसे हम आगे चलने लगे, लहरों का पानी ऊपर गिरने लगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये कॉन्क्रीट रोड और दोनों तरफ पानी। इस पे चलने में बहुत ही मज़ा आया। बहुत तेज हवा भी चल रही थी, बहुत ही बड़ी लहरें। जैसे तैसे फिकते बचते हम दरगाह पहुंच गए। हम हाजी अली दरगाह को सुबह के अराउंड 10 बजे आए। दरगाह के एंट्रेंस का लेफ्ट साइड का व्यू आप देखकर एंजॉय कीजिएगा। यहाँ से समंदर का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। बहुत तेज लहरें स्टेप्स तक आ रही है। चलिए अब हम दरगाह के अंदर की ओर चलते हैं। यहाँ दरगाह के अंदर पहुँचते ही एक अलग किस्म का सुकून मिला। समंदर के बीच में दरगाह और यहाँ का एटमोसफियर बहुत ही बेहतरीन है। दुनिया के सारे परेशानियां भुला देता है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हाजी अली दरगाह की कंस्ट्रक्शन चल रही है। यहाँ से हाजी अली बाबा का मज़ार देखने को मिलेगा। मज़ार के लेफ्ट की तरफ से लेडीज़ का वजू खाना और नमाज एरिया है और राइट की तरफ मस्जिद है। मस्जिद का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। इस आर्किटेक्चर का कुछ विजुअल्स आप सबके लिए। मस्जिद के बाजू जेंट्स का वजू खाना है। दरगाह के पीछे की तरफ कुछ स्टेप्स है, वो उतरकर हम लहरों को एंजॉय भी कर सकते हैं। यहाँ कई सारे लोग उतरकर यहाँ का व्यू एक्सपीरियंस करते हैं। दरगाह के राइट में खवाली हमेशा चलती रहती है। कई लोग यहाँ बैठकर खवाली का मज़ा भी लेते हैं। दरगाह का राइट साइड का व्यू जो कि काफी सुंदर है देखने में। चलिए अब हम दरगाह के लेफ्ट साइड का व्यू देखते हैं। लेफ्ट साइड में आपको वेटिंग हॉल और वॉशरूम्स मिलेंगे। यहाँ से आप पूरा समंदर का व्यू देख सकते हैं। हाजी अली दरगाह को कई सारे लोग आते हैं। आपको हमेशा यहाँ भीड़ देखने को मिलेगी। ये तेज लहरों में भी कुछ लड़के स्विमिंग का मजा भी ले रहे हैं। यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आफ्टर इशा अराउंड 8:30 को दरगाह क्लोज हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे रात होती है लहरें तेज होने लगती है। रात को यहाँ ठहरना बहुत ही डेंजरस माना जाता है।
यहाँ के लोग कह रहे थे कि सनसेट के बाद एंट्रेंस का जो कॉन्क्रीट रोड है वो समंदर के पानी से ढक जाना शुरू होता है और सनराइज के बाद पानी थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगता है। कई सालों से यहाँ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है। चलिए अब हम हाजी अली दरगाह का नाइट व्यू देखेंगे। नाइट व्यू में हाजी अली दरगाह के कुछ विजुअल्स आप सभी के लिए देखकर एंजॉय कीजिएगा। ये कॉन्क्रीट रोड नाइट में काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। ठंडी ठंडी हवा, तेज लहरें और ये रोड बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है। ओवरऑल हाजी अली दरगाह में बहुत ही मजा आया। आप सभी भी जरूर विजिट कीजिए और ये खूबसूरत जगह का मजा लीजिए। ये थी आज का वीडियो। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको शेख होम गार्डन से न्यू अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।